हाय सी फर्टनिटी, आज के इस वीडियो में आने का मकसद ये नहीं है कि आपसे कुछ व्यू पा लूँ। आज के इस वीडियो में आने का मकसद ये था कि जिन लोगों ने जून में एग्ज़ाम दिया है और उससे भी पहले अगर आप अटेम्प्ट दिए हैं सीए फाउंडेशन का और आपका मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुका है और अभी भी आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं सीए फाउंडेशन के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो है। दरअसल बात कुछ इस कदर है कि लोग ये तो देख लेते हैं कि अटेम्प्ट मैटर करता है, अटेम्प्ट मैटर करता है, लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि अगर वो 2 से 3 बार फेल हो चुके हैं और इवन तो उससे ज़्यादा कई लोग फेल हो चुके हैं, 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट भी लगा दिए, आप पलट के देखिए तो आपका कितना टाइम निकल गया, आप इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते हैं। तो इसी के संदर्भ में ये वीडियो लेकर आया था कि दोस्तों, अगर आपका 5 अटेम्प्ट लग गया, 6 अटेम्प्ट लग गया सीए फाउंडेशन में, आप ज़रा अपने लाइफ में झांक कर देखिए, आप अपने पिछले समय को पलट कर देखिए कि आपने जब सीए स्टार्ट किया था, जिस सन से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और अभी तक आपका कितना समय बीत गया और फिर भी आपका सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो आप समझ के देखिए कि सीए इंटरमीडिएट में आपका क्या हाल होगा। लेट सपोज आप 20 साल में आप सीए का कोर्स में ज्वाइन करते हैं और आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फोर्थ नहीं निकला, फिफ्थ नहीं निकला। अब आप फिफ्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप ज़रा पलट कर देखिए कि आपका कितना समय बीत गया। आपका गिन के सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम, जो कि एक एंट्रेंस लेवल का एग्ज़ाम होता है, सिर्फ उस एग्ज़ाम में आपका 28 साल निकल गया। आप पलट के देखिए, लोग जब पलट कर देखता है अपने पिछले समय को, जो बीता हुआ कल है, जिसको भूतकाल भी कहते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल देखिएगा, वो ज़मीन में धंसा हुआ होगा। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उसका सेल्फ इस्टीम ख़त्म हो जाता है, वो कॉन्फिडेंटली फाइट नहीं कर पाता है अपने कैरियर में, वो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, सोसाइटी टेंडेंसी का बहुत सारा इशू फेस करता है, वो एंजाइटी फेस करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं दोस्तों। हम बस सोचते हैं कि सीए के कोर्स में सब जा रहा है तो हम भी चल देते हैं। लोग ये नहीं देखते हैं कि भाई मेरा क्षमता है भी कि नहीं है। सीए जैसा प्रोफेशनल कोर्स में बहुत ज़्यादा आपको दृढ़ संकल्प लेकर आना होगा और बहुत ज़्यादा पेशेंस लेकर आना होगा, तभी आप इस कोर्स का डिग्री ले सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई भी इंटर कर सकता है सीए के कोर्स में। अगर आप 12th में 33% से पास हुए हैं तो आप एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं, आप फाउंडेशन एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए इसका एग्ज़िट कितना हार्श है, इतना बड़ा हार्श रियलिटी है इस कोर्स का एग्ज़िट, जो एक कॉमन इंसान जो बस इस ये सोच कर आया है कि सब कर लेगा तो हम भी कर लेंगे, ये सोच कर अगर आप आए हैं सीए के कोर्स में, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, आप 10 साल बिता दीजिए, ये कोर्स का डिग्री आप नहीं ले सकते हैं। और इसका लिखित गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप सिर्फ ये सोच कर आए हैं कि सब करने आया है तो हम भी कर लेंगे, नहीं होगा। ये कोई बीकॉम का डिग्री नहीं है, ये प्रोफेशनल डिग्री है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख और करेज होना चाहिए आपके पास कि आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपका 5-6 अटेम्प्ट लग गया है, इवन तो 7-8 अटेम्प्ट भी लग गया होगा किसी न किसी का, आई एम श्योर, और अभी भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके पेशेंस लेवल का तो मैं दाग देता हूँ कि आप पेशेंस तो आपके पास बहुत है, लेकिन आप देखिए कि आप क्यों आखिर फेल हो रहे हैं। क्या आपने क्लासेस नहीं लिया, क्या RTP नहीं दिया, क्या MTP नहीं दिया, या पास्ट ईयर का आपने एनालाइज नहीं किया कि किस तरह का पेपर आता है। अगर इन चीज़ों पे आपने काम किया होता और अगर आप बिलो एवरेज भी स्टूडेंट है, तो आपसे सीए फाउंडेशन अब तक निकल जाना चाहिए था। बट हार्श रियलिटी ये है दोस्तों कि जून तक अगर किसी का 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट हो गया है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कोर्स को लात मार के बाहर निकालें और आप कुछ अल्टरनेट ऑप्शन पे काम करें, क्योंकि आपके लिए ही
ये आपके भलाई के लिए ये मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों इसी बात को लेकर आया था, आपसे मुलाकात करना था कि CA इज नॉट एट द एंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अ लाइफ, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताओ। और जिन व्यक्ति ने जून में एग्ज़ाम फेल कर गया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो तीन अटैम्प्ट फेल हो गए, चार अटैम्प्ट भी फेल हो गए, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट दो, देखो गलती कहाँ हो रहा है, उस पर काम करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो मैथ में, अकाउंट्स का भी प्रैक्टिस करो, लॉ में लिख कर प्रैक्टिस करो, और इकोनॉमिक्स को हल्के में नहीं लेना। इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा ब्लंडर है, जो कहते हैं ना बड़े बड़े कथा कथित सो कॉल्ड CA टीचर कि इकोनॉमिक्स तो यूँ चुटकी में बीत जाएगा, कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक्स ही सबसे ज़्यादा और वाट लगाता है, पहले वहाँ पे आपको सारा आंसर सेम लगता है, ये प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को थम्स अप दबा के लाइक करना, चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को। जो लोग भी इस अटैम्प्ट में फेल हुए हैं, नीचे आओ, जिन व्यक्ति को किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह का कुछ सवाल करना है या कुछ कुछ प्रॉब्लम है उनको, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना बात रखिए, मैं उसका जवाब किसी भी हाल में ज़रूर दूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।